मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था कि रणभूमि में युद्धों से पहले मनभूमि में खेला जाता है। दोस्तों, अगर महाभारत की बात हो और मामा शकुनी की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इतने वर्षों पहले जो महाभारत हुई थी उसमें मामा शकुनी का कितना बड़ा हाथ था शायद ये किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है। और मामा शकुनी ने ये सब छल पूर्वक और चालाकी से किया था, क्योंकि मामा शकुनी चौसर के खेल का बहुत बड़ा शौकीन था। लेकिन क्या आपने कभी भी ये सोचा कि आखिर मामा शकुनी इस खेल में हर बार कैसे जीत जाता था? दोस्तों, दरअसल इसके पीछे का रहस्य उसके पास जो पासे थे उसमें छिपा है। जी हाँ, शायद आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन सच तो ये है कि मामा शकुनी जिन पासों से ये खेल खेलता था वो कोई साधारण पासे नहीं थे, बल्कि उसके पास जो पासा था वो उसके मरे हुए पिता की रीढ़ की हड्डी से बना हुआ था, और वो पासे हमेशा शकुनी की ही बात मानते थे, और यही कारण था कि मामा शकुनी इस जुए के खेल में हर बार जीत जाता था।